उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 18वीं वर्षगांठ चमोली जिले में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिलाधिकारी ने राज्य स्थापना दिवस की 18वीं वर्षगांठ पर राज्य आंदोलनकारियों शहीदों को नमन करते हुए समस्त जनता को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य बनने से निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास हुआ है, लेकिन विकास की दौड़ में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने सभी के विकास कार्यों में अपना योगदान देकर राज्य निर्माण में अपना सहयोग करने की बात भी कही। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर खेल विभाग के माध्यम से जिला मुख्यालय में बालक बालिका और अधिकारी वर्गों में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने खुद बैडमिंटन खेलते हुए इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अंडर 14 बालक वर्ग में शैलेंद्र प्रथम, आदित्य द्वितीय और प्रभात सती तीसरे स्थान पर रहे। अंडर 17 बालक वर्ग में गौरव प्रथम, अंशुल दूसरे स्थान पर रहे। वहीं अंडर 17 बालिका वर्ग में दीक्षा पहले और रिया दूसरे स्थान पर रही, जबकि ओपन बालिका वर्ग में साक्षी ने पहला स्थान हासिल किया। इस मौके पर डीएम चमोली ने गौचर मेले के ब्राउजर का भी लोकार्पण किया। आपको बता दें कि इस बार गौचर का मेला 23 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये राज्य स्थापना दिवस की हम सभी को पहले शुभकामना भी देना चाहेंगे और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चमोली में यहाँ पे शहीद स्मारक में शहीदों का नमन करते हुए उनको माल्यार्पण किया गया, फिर कलेक्ट्रेट में भी एक कार्यक्रम किया गया। इसके साथ ही खेलकूद में इस बार क्रॉस कंट्री ना करते हुए, क्योंकि उसमें सभी हर बार एक ही तरीके की प्रतिभाओं को ही बढ़ावा मिलता है, इसलिए इस बार बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। संवाद 365 के लिए चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।